पन्ना जिले में इन दिनों व्याप्त भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। आप प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला एवं आंगनबाड़ी के लिए डाली गई एक ही मोटर से तीन जगह सप्लाई दी गई पानी की टंकी रख करके, जो घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जो दो माह ही मोटर नहीं चली और पूर्णतः खराब हो चुकी है। विद्यालय में पानी की व्यवस्था को लेकर के, शौचालय में सब जगह समस्या, जबकि आंगनबाड़ी सुबह 9 बजे खुल जाती है, उसको सुबह से ही पानी की आवश्यकता होती है, पर नहीं देखी। आप देख सकते हैं कि एक टोटी लगी हुई है और विद्यालय में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। आइए सुन देखते हैं बिलखोरा विद्यालय के बाथरूम एवं जंगलों के जैसे हालात। ये देखिए, एक ही टोटी मात्र लगाई गई है इस तरह से घटिया सामग्री को देखते हुए। आइए सुनते हैं हेडमास्टर की। यहाँ पर डली है तो इसमें पानी यानी नहीं है टंकी में, तो कैसा क्या है ये, क्या है? जब उन्होंने लगाई थी तब तो चल रही थी मोटर, 2-3 महीने अच्छी चली है। बाद में पता नहीं मोटर में जो भी गड़बड़ी आई, एक दो बार दिखाया भी है तो बोले कोई नहीं, यहाँ से सही नहीं होगा और आप कहीं और से दिखवाइए। हमने फ़ोन भी लगाया लेकिन वो सही नहीं हुई है। तो ये कभी मतलब 2 माह के लगभग चली, फिर इसके बाद चली ही नहीं आपका? हाँ, उसके बाद से नहीं चली। तो हैंडपम्प से काम चलता है, अब परेशान होते हैं बच्चे। तो बाथरूम में भी पानी नहीं है और कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं? हाँ, ले जाना पड़ता है, यहीं से बच्चे ले जाते हैं हैंडपम्प से। आपका नाम? हमारा नाम श्रीमती ज्योति दीक्षित है। प्रधान अध्यापक? हाँ, प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं बिलखोरा के।